أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر बसमलर सरा नोलमरकू शुरू करेंगे एक सौ पाँच नंबर आयदसा हैज़ीम बिस्मिल्लर किताबिलह बिबिमा अरकल्ला तक हसीमा किसी भी मुशरे की तमीर व तरक्की के लिए अदल और इंसाफ़ बुनियादी हैसियत के हामिल हैं जिस माशरे में अदल ना इंसाफ से काम न लिया जाता हो वह माशरा अनारकी का शिकार होता है वो अदम तोन का शिकार होता है और वहाँ कभी भी अमन क़ायम नहीं किया जा सकता कुरान मजीद फरक़ान हमीद ने बारहादल की तलक़ीन की है मतदद आयात मुबारक इस बात पर आदिल हैं शाहद हैं कि नबी करीम सल्लास को अल्लाह तुक्म फ़रमाया और असल में हजूर के ज़रिए से हमें ये तलख़ीन फरमाई गई कि हमेशा अदल पर कायम रहें बल्कि अगर कहीं आपको ज़ाहरी नुकसान भी हो रहा है तो वो नुकसान न देखें बल्कि अदल को देखें और अगर आपका अदल आपके अपनों के ख़िलाफ़ जा रहा है जो दुश्मन हैं उनके हक में फैसला हो रहा है अपनों के खिलाफ जा रहा है तब भी अदल का थाम दामन थामे रखें कभी भी बेानसाफ़ी और बेअदली से काम न लें नबी करीम सल वसलम की खिदमत में एक सहाबी रसूल हज़रत कतादा उन्होंने शिकायत की कि मेरा हमसाया है उसने मेरी कुछ चीज़ें चोरी कर ली हैं आटे की बोरी और जिरा हुजूर सरवे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में जब ये बात पहुंची लोगों ने उससे पहले थोड़ी सी तहक़ीक की तो वो जो शख्स था उसका नाम बादन ने तैमा या तोमा लिखा है तो की जेर या पेश के साथ तैमा या तोमा अब उसने क्या किया था उसने चोरी की आटा चोरी किया ज़िरा चोरी की और ज़िरा को आटे की बोरी में छुपा के एक यहूदी के पास रखवा दिया और मुकर गया लोगों ने उससे पूछा तो कहने लगा जी नहीं मैंने तो चोरी नहीं की अब लोगों ने अपने तौर पर थोड़ी तहकीक की हज़रत कतादा फरमाते मैंने जब देखा तो वो आटे की जो बोरी थी उसमें थोड़ा सा सुराख था और जब ये चोरी करके लेके गया तो आटा जो है वो थोड़ा थोड़ा गिरता रहा और वो उस यहूदी के घर की तरफ जा रहा यहूदी के पास पहुँचे तो उससे कहा कि तुमने ये काम किया उसने कहा मैंने नहीं किया तलाशी तो जब ली तो उसके घर में आटा भी निकल आया और ज़ीरा भी निकलाई तो उसने साफ़ बात बता दी कि ये मैंने नहीं किया ये तुम्हारे हमसाये का काम उसने ला के यहाँ रखा है अब उसको पकड़ लिया गया वो मुकर गया मैंने ऐसे नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये मुकदमा आ गया अब एक तरफ यहूदी है और एक तरफ ईमान का इक़रार करने वाला शख्स मौजूद है तोमा यतीमा जिसका नाम है अब सूरत हाल ऐसी है कि अगर फैसला यहूदी के हक में जाए तो वो दुश्मन है उनको मौका मिल जाएगा ये देखें ये कैसे कर रहे हैं और दुश्मन जो है वो उससे मज़बूत होगा लेकिन नबी करीम वसल्लम की ज़ात बबरक़ात जो सरापा इंसाफ है जो साद व अमीन है जो ान नबू से पहले ही साद व अमीन का टाइटल अपने नाम कर चुके और लोग जानते हैं कि ये कभी भी गलत बयानी से काम नहीं ले सकते और इनकी सारी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि हमेशा उन्होंने इंसाफ से काम लिया है अपने अमल और अपनी ज़ुबान की सच्चाई दिखाई यहाँ तक कि जब हिजरत कर रहे थे तो वो लोग जो जान के दुश्मन थे वो भी अपनी अमानतें उनके पास रखवाते और वो अमानतें वापस करके आए थे, कर थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयात मुबारक नाजिल हो गई पहले ही और फरमा दिया और हजूर सलील वम के तवसल से हमें ये बात पहुँची कि असल में इंसाफ़ और अदल वो हमारे लिए हर जगह पर बेहतर है और जो इंसाफ के अलम्बरदार हैं वही कामयाब होते है। हैं इसलिए जो मसंद इंसाफ पर बैठें जो जज हैं जो अदल की कुर्सी पर बैठे हैं उनका हक ये बनता है कि वो हमेशा अदल करें चाहे बात उनको पसंद हो या ना हो चाहे सामने वाला उसका अपना हो या गैर हो इजल ना अलीकल किताब बेशक हमने आपकी तरफ किताब को हक़ के साथ नाजिल किया है ये हक के साथ आपके पास आई है आप लोगों के दरमियान फैसला करें बीमा अरा जो अल्लाह ताला ने आपको दिखा दिया है वाला हसीमा और ख्यात करने वाले की तरफ से आपने झगड़ा करने वाला नहीं बनना यानी जो खयानत करने वाले हैं आपने उनकी तरफ खड़े नहीं होना आप उनकी तरफदारी नहीं करनी जो भी ख्यानत करने वाला है वो चाहे अपना है पराया है जो भी है। तो इसमें आया मुबारक में बीमा अराकल्ला का जो लफज है जुमला है कि अल्लाह ने आपको दिखा दिया तो इसमें हमें यह भी इल्म होता है कि नबी करीम सीम वो चीज़ें दिखा देता है जो आम लोगों को नहीं दिखाई जाती वो सला व्म आप वैसे हकीकत हाल तक पहुंच जाते हैं, जो जाहरी इंसाफ के तकाजे हैं वो भी पूरे करने गवाह गवाहों से गवाही लेनी है जो मुनकर है उससे कसम लेनी है यानी जो मुद्दा अल है उससे कसम ली जाएगी मुद्दी गवाह लेके आएगा जो भी इंसाफ के तकाजे हैं उनको पूरा किया जाएगा लेकिन नबीकरीम सल्लाम ही इससे पहले ही हकीकत हाल तक पहुंच जाते थे कि सच किस तरफ है और झूठ किस तरफ है यानी अराक, अराक अल्लाह अल्ला ताला उनको वो चीज़ें दिखा देता है जो आम लोग नहीं देख पाते तो इन्होंने कोशिश की ये जो तेमा के अहले खाना थे उसके कबीले वाले बनी जफर कबीला था इनका इनका ख्याल ये था कि हमारा कबीला रसवा हो जाएगा सारे लोग कहेंगे ये चोरों का कबीला है इसमें चोर रहते हैं तो हुजूर मेहरबानी करें ये लोग इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम कसम खा लेंगे झूठी कसम भी खा लें चलो वो झूठी कसम का गुनाह मिलेगा वो बर्दाश्त कर लेंगे लेकिन ये बदनामी हमसे बर्दाश्त नहीं होती इसलिए लेकिन अल्लाह ताला ने चूंकि नबी करीम अलैहि वसल्लम को इन सारी चीज़ों से आगाह कर दिया झूठी कसम खाने वाले भी हुजूर के सामने आश्कार हैं और दिल के अंदर ख़यानत छुपाने वाले भी हुजूर के सामने बिल्कुल वाजे हैं उनके सामने तो पर्दे में कोई चीज़ है ही नहीं फरमाया अल्लाह ने आपको दिखा दिया है लेकिन आपने सब कुछ चीज़ें देख ली हैं तो अब जो खयानत करने वाले हैं उनकी तरफ़दारी आपने नहीं करनी और अब यह इजहर बात है नबी करीम अलैहि वसल्लम ने तो करनी भी नहीं थी ना वो तो नबी हैं वैसे ही नबी मासूम होता है तो ये हुजूर अलैहि सलातो सलाम के ज़रिए उम्मत को समझाया गया हमें समझाया गया है कि कभी भी जो खयानत करने वाले हैं उनके साथ खड़े ना हों आपका सगा भाई क्यों नहीं है वो आपके अहले ख़ाना ही क्यों नहीं है हमेशा हक का साथ देने वाले ही अल्लाह ताला को पसंद हैं वस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह तबारक व ताली से इस्तफार कीजिए अल्लाह से मुआफ़ी तलब कीजिए इन अल्लाह गफूर न गफ़फ़ूर और शुबा अल्लाह ताली बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला तो इस्तफ़ार का हुक्म नबी करीम ससीला मुबारक से हमें दिया गया हुजूर तो वैसे इस्तफफ़ार फरमाते हैं हजरत सैद आयशा रदी अल्लाह अर्ज़ करती हैं हुजूर आप दिन में इतना ही मरतबा इस्तफार फरमाते हैं रिवायत में सौ सौ मरतबा का जिक्र हैजूर अल्लाह के बारगा में सौ मरतबा भी तोबा इस्तगफार फरमाते थे इस्तगफार बख्शिश मांगते थे अल्लाह तो हुजूर आपको क्या ज़रूरत है हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाएशा क्या मैं अल्लाह का शुक्र गुज़ार बंदा ना बनूँ यानी ये भी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में हदय तशक् है कि उसकी बारगाह में इस्तगफार किया जाए उससे उसकी बख्शिश मांगी जाए वला अनिल यख्न यख्तानून अनफुसहुम और आपने झगड़ा नहीं करना उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने आप के साथ खयानत की है जो अपनी ज़ातों के साथ खयानत करते हैं आपने उनकी तरफ से झगड़ा नहीं करना इन ला हिब्बू मन कान खा नन بلا बिला अल्लाह तबारक व ताली पसंद नहीं करता उस शख्स को जो खयानत करने वाला हो और जो गुनागार खयानत करने वाला गुनागार अल्लाह को पसंद नहीं यानी गुनाह भी कर लिया है और फिर तस्लीम भी नहीं कर रहे और फिर ऊपर ज्यूटी कस भी खा रहे हैं तो ये तो गुनाह दर गुना गुना दर गुना हुआ तो ऐसा अगर किसी बंदे से कोई गलती सरजद हो जाए तो मांग मान ले तोबा कर ले वो फायदा मंद रहता है झुक जाए और अल्लाह की बारगाह में भी तोबा कर ले जिसकी गलती जिसका नुकसान किया है उससे भी माफी मांग ले इसमें बेहतरी होती है फिर अगले गुनाहों से बंदा बच जाता है वरना आप जानते हैं कि एक झूठ को छुपाने के लिए आदमी को सौ सौ झूठ बोलने पड़ते हैं और पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं तो बेहतर नहीं है कि गलती हो जाए तो गलती को फ़ौरन तस्लीम कर ले इंसान ख़ता का पुतला है गलती कर लेता है तो मान जाने वाला ही बेहतरीन इंसान होता है यस्तख़ून मिनन्नासी वो लोगों से तो छुपा सकते हैं वला यस्तफ़ून अल्लाह से नहीं छुपा सकते जो भी गलती की है चोरी की है खयानत की है अल्लाह से तो छुपा नहीं सकते लोगों से छुपा सकते हैं वाह हुआ मारम वो उनके साथ होता है अल्लाह उनके हमरा होता है इद माला यरदाम क़ूल जब वो रात को ऐसी बातें करते हैं जो बातें अल्लाह को पसंद नहीं हैं अल्लाह को बातें पसंद नहीं हैं मतलब रात के वक़्त चोरी की है रात के वक्त डाका डाला ख़ानत की है और सुबह आके लोगों के सामने मुत्तकी परहेजगार बन जाएँ और लोगों के सामने यूँ ज़ाहिर करें कि हमने तो कोई ख़ता ही नहीं है फरमाए कि ये अल्लाह तबारक वताल को चीज़ पसंद नहीं है वक़ानल्ला बिमा या मलून और अल्लाह तबारक वाले जो तुम जो वो अमल कर रहे हैं अल्लाह उन सब को घेरे हुए हैं सब चीज़ अल्लाह के अहाता में है अल्लाह के अहात इलम में भी है अल्लाह के अहात कुदरत में भी है कोई भी चीज़ उसके इहाता से बाहर नहीं है हा अ तुम हा उलाई जा दल तुम हाँ हाँ तुम ही हो वो लोग तुम ही हो जो झगड़ा करते हो उन ख़यानत करने वालों की तरफ से फ़िल हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी में मा फिर बस बताओ कौन है जो अल्लाह की बारगाह में उनके तरफ से क्यामत के दिन झगड़ा करेगा दुनिया में तुम तुम अदालत में जाके झूठ बोलते हो दुनिया में जाके तुम उस खयानत करने वाले की तरफ खड़े हो जाते हो और उसका साथ देते हो और छुपाने की कोशिश करते हो बताओयामत के दिन फिर तुम क्या करोगे ये सबक है उन लोगों के लिए जो झूठ के साथ खड़े होते हैं सिर्फ इस वजह से ये चूंकि हमारा अपना है ये हमारी बरादरी है बरादरी है हमारा कबीला है हमारा दोस्त है हमें जानने वाला है तो जानने वाला दोस्त कबीला रिश्तेदार उनकी तरफ दारी करते हुए झूठ का साथ आज अगर हम दे लें तो कयामत के दिन फिर क्या करेंगे क्यामत के दिन फिर अल्लाह ताला ने तो पकड़ लेना है और फरमाना है आज ही आ जाओ तो फिर जो साथ देने वाले हैं वो भी साथ खड़े होंगे यहाँ हमारा जो निज़ाम अदल है ना जी हमारा इन आयात मुबारक में सारे का सारा इन आयात मुबारक में डिस्कस होता है आप देखिए अगर हमारे वो कला को और हमारे निज़ाम अदल से मुनसलिक लोगों को ये पता हो कि ये शख्स झूठा है, और फिर भी उसकी तरफ से वकालत करें तो आज तो वकालत कर लेंगे क्याम के दिन कौन वकील बनेगा अगर हम इन आयात मुबारक को समझ लें तो मुकदमा करने वालों को केस लड़ने वालों को पता होता है ना कि मेरा क्लाइंट जो है ये गलत बयानी कर रहा है या सही है और वो झूठा भी होता है तो हमारे वो कला हज़रा उसका साथ दे रहे होते हैं और फक्त दुनिया का मफाद हासिल करने के लिए दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए उसका कितने कितने साल तक उस मुकदमे को चलाते रहते हैं और झूठ के साथ खड़े रहते हैं और पेशियों पर पे पेशियाँ होती रहती हैं और अदल को और इंसाफ़ को देर की तरफ़ ले जाते हैं और लटकाते रहते हैं यहाँ तक कि हक़दार को हक़ नहीं मिलता तो आज तो इस दुनिया में तो ज़ालिम के साथ खड़े हुए हैं चोर के साथ खड़े हुए हैं झूठ के साथ खड़े हुए हैं लेकिन कल क़ियामत के दिन क्या करेंगे फरमाया कि फरमाइयल्हम योमयामक़्यामत के दिन कौन है जो अल्लाह के सामने उनके साथ उनके मुकाबले में झगड़ा करेगा अमई यकून वलाहम वकीला या फिर ये उन के बारे में निगेबान बने उनके बारे में निगरान बने तो बेहतर ये नहीं है कि हम इस दुनिया में ही इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अपने मामला को संभालें अल्लाह ताला ने जिनको अदल की कुर्सी पर बैठाया है वो हमेशा हक का साथ दें कभी भी जुलम का साथ ना दें जो मर्जी हो जाए क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा जान ही चली जाएगी ना और क्या होगा और वो लोग जो इंसाफ के इस शोबा के साथ मुंसलिक हैं वो कला हैं जो भी हैं उनसे भी गुज़ारिश ये है कि अदल और इंसाफ ये अल्लाह ताला को पसंद है, रसोल्ला को पसंद है, और मुआशरे के अमन का ये बुनियादी ज़रिया है तो हमें हमेशा अदल और इंसाफ का साथ देना चाहिए अदल इंसाफ को बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए हमेशा अपना हिस्सा अदल और इंसाफ़ को कायम करने के लिए डालते रहना चाहिए वगरना माशरे उसी तरह रहेंगे जैसे हमारा मुआरा है उसी तरह अनारकी होगी उसी तरह चोरी डाका त्ल वारत होगा और उसी तरह बेानसाफ़ी अगर होती रही तो मुशरे जो है वो कभी भी तरक्की तरक्की याफ्ता माशरे नहीं बनते अल्ला करीम हमें समझने की तोफ़ी कतः फ़रमाए हामीन व आखिरयादिल्ला रबालमीन